नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं तरसेम कुमार जागरण स्पेशलिस्ट जी के पास, जो कि सरस्वती जागरण पार्टी भजन कीर्तन, अर्धरात्रि चौकी जागरण, सुंदरकांड व अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। और इन धार्मिक कार्यों के लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। नमस्कार, इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है तरसेम जी। और आज आपके हम अपने दर्शकों से लाइव मुलाकात कराएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप कलाकारी करते हैं, माता के जगराते करते हैं, तो ज़रा बताने का कष्ट करेंगे सर। सर नमस्कार, मेरा नाम तरसेम कुमार, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा। माता रानी की बहुत असीम कृपा हो रही है मेरे पास। आप लोग जैसे सभी जानते हैं, तकरीबन भाई बहन सभी जानते हैं मेरे को, मैं माता रानी के भजन जागरण करता हूँ और माता रानी ने बहुत दिया है। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि माता रानी के चरणों में लगन लगती रहे और माता रानी के चरणों में हाजिरी भरती रहे। और सभी मेरे जितने भाई प्रेमी हैं, भगत जन हैं, जितने मेरे यार मित्र हैं, सभी से गुजारिश है कि आप भी माता रानी के चरणों में जितनी देर बैठें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो माता रानी के चरणों में पूरा ध्यान लगा के बैठें, ताकि माँ आपकी मनोकामना पूरी करे और आपके घर में खुशियाँ बरसे। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब तक बैठे, जैसे जागरण होया, कीर्तन होया, कोई मंदिर में जाए, जितनी देर बैठे, चाहे 5 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, तो माता रानी को चरणों में ध्यान लगा कर बैठे, ताकि आपकी आत्मा माता रानी की चरणों से लगे और माता रानी आपका बेड़ा पार कर दे। और इस कलयुग में भी माता रानी आपके हर मनोकामना पूरी करती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो ये थे हमारे साथ कलाकार तरसेम सिंह जी, जो कि जानकर इनके विचार बहुत अच्छा लगा। तो अगली मुलाकात के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के। जय माता दी, जय माता दी।